अगर आपका मोर्फो डिवाइस जैसे ही आप सिस्टम में लगाते हैं तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर पॉपअप दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ टू रजिस्टर योर डिवाइस, प्लीज़ इंटर मॉडरेटरी वन टाइम टोकन, ओके और कैंसिल, नीचे स्पेस का ऑप्शन देता है। अगर इस तरह का अगर ऑप्शन आता है आपको मोर्फो डिवाइस लगाते समय ही, यानी कि लगाते हैं जस्ट तुरंत इस तरह का आपको अगर पॉपअप आता है, तो आपको यहाँ पर आपको पहले आपको वैलिडिटी चेक करना होगा। जैसे मोर्फो डिवाइस का वैलिडिटी कैसे चेक करना है, यहाँ इसमें आपको बताऊँगा कि मोर्फो डिवाइस का वैलिडिटी आप मोबाइल से या लैपटॉप से कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर मोर्फो डिवाइस रिचार्ज करने का वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो मोर्फो डिवाइस से रिलेटेड आएगा, जो यहाँ पर रिचार्ज करने के लिए आएगा। और मोर्फो डिवाइस अगर सेटिंग करना चाहते हो उसका भी वीडियो स्पेशल एक पहले से बना हुआ है, आप मोर्फो डिवाइस सेटिंग करने के लिए एक आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं चैनल पर। तो इसमें मैं आपको सभी को बताऊँगा आपको मोर्फो डिवाइस का वैलिडिटी चेक कैसे करना है। इसमें आपको मोबाइल से ही बताऊँगा मोबाइल से कैसे चेक करेंगे। तो चलिए मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा आरडी सर्विस, या तो मोर्फो आरडी सर्विस भी आप टाइप करते हैं। मैं आरडी सर्विस टाइप कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर आरडी सर्विस SERVICE सर्विस टाइप करती हूँ, इसको सर्च करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखा हुआ है यहाँ पर rdserviceonline.com। तो यहाँ पर मोर्फो सेंसर आरडी सर्विस, मोर्फो फिंगरप्रिंट आरडी सर्विस, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे ओपन होगा यहाँ से आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर पहले आप डेस्कटॉप साइड कर लेंगे। डेस्कटॉप साइड करने के बाद आपको इस तरह से पेज देखने को मिल जाएगा पूरी तरह से। और यहाँ से आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप मोर्फो डिवाइस का सभी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मोर्फो डिवाइस का अगर सीरियल नंबर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मोर्फो डिवाइस में जो पॉपअप चल रहा है पीछे की साइड का, इसमें आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए पीछे सर्विस सीरियल नंबर होगा यहाँ पर, या तो मैं आपको स्क्रीन शॉट के माध्यम से भी दिखा दूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रिन्यूअल आरडी सर्विस, और एक नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर चेक वैलिडिटी, यहाँ पर जो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर चेक वैलिडिटी फॉर आरडी सर्विस। तो चेक वैलिडिटी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक सीरियल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, जो आपको मोर्फो डिवाइस के पीछे अवेलेबल होगा। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से आपको सर्विस होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि लिखा है यू कैन सबमिट अप टू 5 सीरियल नंबर, यहाँ केवल 5 का सीरियल नंबर ही डालना है, या तो पूरा सीरियल नंबर डालें तो बेटर होगा। चलिए मैं आपको पूरा सीरियल नंबर डाल के यहाँ पर सबमिट करके शो कर देता हूँ कैसे आपको यहाँ पर सीरियल नंबर। मेरे पास यहाँ पर मोर्फो डिवाइस आप देख पा रहे हैं, ये मोर्फो डिवाइस है, और यहाँ पर एक लिखा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे SN करके 1738 ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर ये वाला पूरा डिजिट आपको डालना होगा, जो यहाँ से लेकर 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट का, जो 12 डिजिट का जो भी होगा सीरियल नंबर, आप यहां से सीरियल नंबर को डालेंगे। तो चलिए मैं सीरियल नंबर को डाल लेता हूं। सीरियल नंबर डालने के बाद आपको इस तरह से सीरियल नंबर शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहां पर लिखा डिवाइस सीरियल नंबर इज़ वैलिड, यहाँ पर इस तरह से लिख देगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर आपका डिवाइस नंबर गलत होगा तो यहाँ पर नोट वैलिड लिख देगा, आपका डिवाइस नंबर सही होगा तो इस तरह से दिखाएगा। इसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा। सीरियल नंबर यहाँ पर दिखाएगा, डिवाइस स्टेटस यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर पहले जो आप रिचार्ज किए होंगे तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल दिखाएगा, ऑर्डर नंबर, सीरियल नंबर, और यहाँ पर वाइट लिस्टिंग डेट, किस तारीख आपने रिचार्ज किया था और किस दिन एक्सपायर हुआ। यहाँ पर देख पा रहे हैं 24/6/2022 को मेरा एक्सपायर हुआ है। और यहाँ पर आप सबसे मेन बात यहाँ पर होती है कि आपका वैलिड है अथवा अनवैलिड है। तो यहाँ पर चेक करने के लिए यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं एक्सपायरी का, और सबसे मेन बात यहाँ पर हुआ डिवाइस स्टेटस में, यहाँ पर जो डिवाइस इज़ वैलिड बट नोट वाइट लिस्टेड जो लिखा हुआ है, यही आपको सबसे मेन होता। यहाँ पर अगर आपका डिवाइस अगर वैलिड होगा तो यहाँ पर डिवाइस इज़ वैलिड एंड वाइट लिस्टेड लिखेगा, नोट वाइट नोट को हटाकर यहाँ पर वाइट लिस्टेड लिखा, यानी डिवाइस इज वाइट लिस्टेड लिखेगा। तो आपका समझिए कि आपका रिचार्ज है। अगर आपका वहाँ पर वाइट लिस्टेड नोट अगर शो करता है, यानी इस तरह से शो करता है, तो समझिए कि आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है। तो चलिए मैं आपको रिचार्ज करने वाला एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो उस वाले वीडियो को देखना ना भूलिएगा। मैं उसको वीडियो लेकर आऊँगा कम्प्लीट, उसमें स्टेटस भी चेक करके दिखाऊँगा कैसे चेक करना है। इस तरह से स्टेटस भी चेक करना है उसी में भी, लेकिन वैलिड होगा तो किस तरह से लिखेगा वो मैं दिखा दूँगा। तो यही थे अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।